अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, आज हम जिस मज़ार अक़दस की आपको ज़ियारत करवाने वाले हैं, वो मज़ार उत्तर प्रदेश के ज़िले हरदोई के बिलग्राम शरीफ में वाक़ है, और उस आस्थाने पर मौजूद उस अजीम हस्ती का नाम हजरत शेख मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह है। तो चलिए पहुँच करके आपको उस अजीम आस्थाने की ज़ियारत करवाते हैं, और वहाँ पर जो भी खसूसियात होंगे वो आपको मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए चल के आपको उस अजीम आस्थाने की ज़ियारत करवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ, और दीदारे हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी कर रहा हूँ। आप लोगों को भी मैं जल्दी हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह और आपके आस्थाने पर बनी उन तमाम मज़ारातों की ज़ियारत करवाऊँगा जो आपके मज़ार अक़दस और आस्थाने आलिया के करीब बनी हुई हैं। माशाल्लाह, आपके आस्थाने मुबारक पर बहुत सारी मज़ारें और बनी हुई हैं, तो मैं बहुत जल्दी आपको उन सभी दरगाहों की ज़ियारत करवाता हूँ। हजरत शेख सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सी अजीम शान करामातों के वाक़यात रहनुमा हुए हैं। एक नौजवान मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और फरमाया, हुजूर, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मैंने जब से सुना है मर जाना है, कब्र में जाना है, जनाजा देखा है, कब्र में इंसान को उतरते देखा है, तब से मुझे मौत से बड़ा डर लगता है। हजरत, मुझे कोई वजीफ़ा बताएँ या मुझे नसीहत करें। सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटे, तेरी माली हालत कैसी है? उस नौजवान ने फरमाया, हजरत, अल्लाह का करम है, दौलत की कोई कमी नहीं है। आपने फरमाया, रोज़ाना की बुनियाद पर तू सदका देना शुरू कर, और फ़र्ज़ नमाज के बाद नफिल पढ़ना शुरू कर, और सदका रोज़ दे, 10 या 15 दे, लेकिन रोज़ दे, रोज़ाना की बुनियाद पर सदका कर। नौजवान आपकी बात सुनकर हैरान था। उसने सोचा कि मैं तो हजरत से वजीफ़ा पूछने आया था, इन्होंने मुझे सदके पर लगा दिया है। नफिल नमाज तो मैं रोज़ अदा करता हूँ, लेकिन बुज़ुर्ग की बात थी तो वो नौजवान नफिल पढ़ने लगा, सदका देने लगा और अल्लाह अल्लाह करने लगा। 6 से 7 महीने के बाद उस शख्स से जब आपकी मुलाकात हुई तो आपने उस नौजवान से पूछा, अब आपका क्या हाल है? तो उस नौजवान ने कहा, हुजूर, अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, अब मेरा मरने का दिल करता है। हुजूर, आपने मेरे साथ क्या किया है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता बल्कि मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं? मेरे दिल पे मरने का खौफ निकल गया है। तो क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया है मेरे मीर वाहिद अब्दुल बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने कि भाई, जिस जगह पर इंसान की प्रॉपर्टी होती है, जहाँ उसकी ज़मीन होती है, वहाँ जाने का उसका दिल करता है। फरमाया कि तूने सदका दे के और नफिल पढ़कर जन्नत में अपना मकान बुक करा लिया है, अब वहाँ तेरा प्लॉट हो गया है, अब तुझे डर नहीं लगेगा, अब तेरा जन्नत में जाने का दिल करेगा, अब तेरा जी करेगा वहाँ जाने का, क्योंकि जिस जगह इंसान का मकान या ठिकाना नहीं होता है, उस शख्स का वहाँ जाने का जी नहीं करता, अब तेरा ठिकाना जन्नत में हो गया है, अब तेरी ज़मीन जन्नत में हो गई है, अब तो जन्नत का हकदार हो गया है, और अब तेरे साथ ऐसा ही हो रहा है,
माशाल्लाह, क्या शान है मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी की कि आपने एक शख्स को जन्नती बना दिया। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी।